सपा ने सीसामऊ उपचुनाव में घोषित किया प्रत्याशी। इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी को बनाया उम्मीदवार। भाजपा के लिए होगी मुश्किल। समाजवादी पार्टी ने सीसामऊ उपचुनाव को लेकर अधिकृत रूप से प्रत्याशी की घोषणा कर दी। पार्टी ने विधायक रहे इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया। सपा से प्रत्याशी घोषित होने के बाद अब भाजपा खेमे में भी हलचल तेज हो गई। वहीं अब भाजपा के लिए कई चुनौती भी खड़ी हो गई है। वहीं नसीम सोलंकी की माने तो सीसामऊ विधानसभा सीट की जनता का प्यार और दुआएं उन्हीं को मिलेगी। उनका कहना है कि वो हमेशा क्षेत्र के लोगों से दुआएं ही मांगती हैं। उनका संगठन भी उनके साथ है। देखना यह है कि जिस तरह से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को क्षेत्र की जनता ने हमेशा अपना आशीर्वाद दिया, क्या वही जनता उनकी पत्नी को भी अपना आशीर्वाद देगी? बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, आपको फेस करना। पार्टी ने हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिखाई है और उन्होंने पे विश्वास दिखाया, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि उसमें जो खड़े और पूरी मेहनत करेंगे। मैदान में तो दो तीन पार्टी होती है, जब भी मुकाबला होता है वो भी अपनी पार्टी है और बसपा होगी और जो भी और भी पार्टी होगी तो अपनी तरीके से तैयारी करती है, और जब वक्त आएगा तो आप खुद देख लेंगे कि क्या तैयारी रही है और कैसी मेहनत। हमारी कल मुलाकात हुई थी जी, उन्होंने कहा था कि भैया हिम्मत रखना और परेशान ना होना, रोना नहीं और दुआ दे के हमको भेजा के जाओ जीत के आना। क्या अहम मुद्दे रहेंगे? विकास का भी मुद्दा है और जो है जनता बाकी सब जानती है, हमें बहुत ज्यादा उसमें कुछ कहने की बात नहीं है और जनता को सब मालूम है सारी जो चीजें। दो साल से पूरी खुली किताब के तरीके हमारी जिंदगी, दुआओं में याद रखना।